नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता प्रदेश सरकार के खिलाफ कल मुख्य चौराहे पर 10 बजे ताली और थाली बजाकर विरोध करेंगे। राजीव गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया है कि सरकार व्यापारियों को सामान्य रूप से नहीं देख रही है, सरकार व्यापारियों के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार व्यापारियों के हित में निर्णय नहीं कर पा रही है, इसलिए सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए ताली और थाली बजाने का कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को दुकानें खोलने की छूट देनी चाहिए। कोविड की दूसरी लहर में व्यापारियों ने स्वयं ही बाजार बंद करने का निर्णय लिया था, इसलिए सरकार को आज व्यापार हित में सोचना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण देते हुए व्यापारियों को छूट देने की बात कही है। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि मेरे निवेदन करने पर आप लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी हमारे प्रदेश की जो मुखिया है माननीय तीरथ सिंह रावत जी, वो अभी तक कुंभकर्णी नींद जो है उनकी उससे नहीं जाग पा रहे हैं। कई बार हमारे जिले के आला अधिकारियों ने भी उन्हें व्यापार संगठन हमारा जिला की इकाई प्रदेश की इकाई सब ने उन्हें ज्ञापन सौंपे हैं, निवेदन किया है, लेकिन पता नहीं वो ऐसा सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। जबकि यूपी में जहाँ पर संक्रमण बहुत ज़्यादा था, कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर हमारे लगते हुए राज्य में यूपी सरकार के द्वारा व्यापारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया है, किंतु हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, यह मैं पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारी सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती हुई है तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इन्हीं की सरकार के तर्ज पर जो ताली थाली बजाओ कार्यक्रम होगा, कल इन्हीं का दिया हुआ कार्यक्रम है ये, और इन्हीं सरकार को जगाने के लिए मैं कल ताली थाली बजाने के लिए अपने सभी व्यापारी वर्ग को कहना चाहूँगा कि कल स्वयं मुख्य चौराहे से प्रातः 10 बजे हम अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अगर ये सरकार तब भी हमारे व्यापारियों को राहत नहीं देती है तो अगला कार्यक्रम हमारा इन्हीं के खिलाफ सितारगंज में भैंसे नजर आएंगी और बीन नजर आएगी। इतने ही संकेत मैं इनको देना चाहता हूँ। ज़्यादा बातों के साथ मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूँ प्रदेश के मुखिया लोगों से, जबकि हमारे ऊधम सिंह नगर में अधिकांश विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो कि सत्ता जिनकी है, उसके बावजूद भी कोई भी हमारी सुध लेने वाला नहीं है, व्यापारियों का कोई भी साथ देने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि जो टैक्स जाते हैं दुनिया भर के, वो व्यापारी वर्ग के लोग देते हैं। आज व्यापारी वर्ग के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जो दुनिया भर के जलकर विद्युत कर बच्चों की स्कूल की फीसें ये सब कहाँ से आएंगी, क्या सरकार इसमें हमारी कोई मदद करेगी। व्यापार मंडल को बिना भरोसे मिलिए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था इन्हें। 1 तारीख को मैं समझता था इन्हें आलोक की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए थी, किंतु बावजूद इसके इनके द्वारा कोई भी सही निर्णय नहीं लिया गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ सौतेला व्यवहार। अगर ये नींद से नहीं जागेंगे तो अगला आंदोलन हमारा और भी तीव्र होगा। इन्हीं व्यापारी भाइयों से कि प्रातः 10 बजे मुख्य चौक के मुझे मिलेंगे और मैं वहां से अपना कार्यक्रम आंदोलन का शुरू करूँगा।